साइड बी द ह्यूमन बींग्स डोंट नो एनीथिंग दे विल ऑल्सो गो इन फ्रंट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण एंड से यू आर द मदर एंड फादर एंड वी आर योर चिल्ड्रन राधे कृष्ण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता हम बालक थे दे विल ऑल्सो गो इन फ्रंट ऑफ राधा एंड कृष्णा एंड से यू आर द मदर एंड फादर एंड वी आर योर चिल्ड्रन बाप समझाते हैं द फादर एक्सप्लेन्स तुम्हारे दूर लौकिक माता पिता भाई बहन भी है ऑल योर लौकिक मदर एंड फादर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गुरुज एंड टीचर्स एंड सो ऑन जो भी है सभी निर्धन की आत्मा ऑल ऑफ देम आर विदाउट अ मास्टर दे आर ऑर्फन्स वो तुमको सुख नहीं दे सकते दे कांट गिव यू हैप्पीनेस आर्फन है तो जरूर डराई दे आर ऑर्फन्स सो दे आर डेफिनेटली द वंस हु फाइट एंड क्वारल के अंत और दूसरे देश के आज की थोड़ी वाणी मिस हो गई अ पार्ट ऑफ द वाणी एट द एंड ऑफ दिस पेज एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन इज मिसिंग अब अपने पैरों खड़ा हो गया फाइव ईयर प्लान पूरा हो गया क्या नाउ ही हैज बिकम इंडिपेंडेंट हैज द फाइव ईयर प्लान कम्प्लीटेड यस भारत के सर के नीचे गीता रखी हुई द गीता इज प्लेस्ड अंडर द हेड ऑफ भारत इन द पिक्चर ऑफ द लैडर गीता में क्या लिखा है फाइव ईयर प्लान वॉट इज रिटर्न ऑन द गीता फाइव ईयर प्लान 77 से लेकर के 80-81 तक का फाइव ईयर प्लान द फाइव ईयर प्लान सिंस द ईयर 76-77 अंटिल 80-81 वो प्लान तो बनते रहते हैं बिगड़ते रहते हैं सरकार के बार बार द प्लान्स ऑफ द गवर्नमेंट आर मेड एंड दे फेल रिपीटेडली और प्लानिंग कभी पूरी होती नहीं एंड देयर प्लानिंग इज नेवर कम्प्लीटेड राम राज्य आता द किंगडम ऑफ राम डजंट कम तो राम राज्य तो भले यहाँ नहीं आता सो ऑल्दो द किंगडम ऑफ राम डजंट अराइव हियर लेकिन प्रिंस प्रिंस तो बन ही जाता ही इंडीड बिकम्स अ प्रिंस बेगर टू प्रिंस बन जाता ही बिकम्स अ प्रिंस फ्रॉम अ बेगर तो अभी ही देखो इतने मनुष्य जो रहने के लायक जगह नहीं सो लुक नाउ इट सेल्फ देर आर सो मेनी पीपल दैट दे डोंट हैव अ प्लेस फिट टू स्टे अभी भी क्या है हालत वॉट इज द सिचुएशन इवन नाउ भारत के पास तीन पैर पृथ्वी तो हो भले दो इट इज सेड भारत हैज 3 feet ऑफ लैंड लेकिन है? तीन पैर पृथ्वी नहीं है ही मीनिंग द लिविंग भारत डजंट हैव 3 feet ऑफ लैंड अभी भी तीन पैर पृथ्वी नहीं है इवन नाउ ही डजंट हैव 3 feet ऑफ लैंड कैसी जगह हाउ इज द प्लेस मतलब तीन पैर पृथ्वी भी हो ऑल राइट इवन इफ ही हैज 3 feet ऑफ लैंड तो जगह कैसी है रहने लायक वॉट इज द प्लेस लाइक द प्लेस इज नॉट फिट टू स्टे इन आगे पीछे चारों ओर बदबू ही बदबू देर इज नथिंग बट ओडर ऑल अराउंड तो जगह रहने लायक हुई सो इज इट अ प्लेस फिट टू स्टे इन धूल बदबू भी उड़ रही है तो सूक्ष्म बदबू भी उड़ रही है द फिजिकल ओडर इज स्प्रेडिंग एज वेल एज द सटल ओडर इज स्प्रेडिंग नाम है आबू रोड द वेरी नेम इज आबू रोड नाम क्या है वॉट इज द नेम माउंट आबू माउंट आबू जहाँ बदबू का पहाड़ आगे इकट्ठा हुआ इट इज अ प्लेस वेर ओडर एक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ माउंटेन पतितात्माओं को पावन होना है इट इज बिकॉज इट इज द इम्प्योर सोल्स हु हैव टू बिकम प्योर तो कैसे इकट्ठे होंगे देयर फोर वॉट काइंड ऑफ सोल्स विल गैदर पति भी इकट्ठे होंगे ओनली द इम्प्योर वंस विल गैदर तो खाने के लिए भारत को अन्न नहीं सो भारत डजंट हैव फूड टू ईट योग माने इसलिए है रूपी अन्न नहीं मिल रहा है उसको योग मीन्स ही इज नॉट रिसीविंग द अफेक्शन इन द फॉर्म ऑफ फूड योग माने क्या वॉट डज योग मीन इसलिए सच्चा प्यार वही आत्मा की बात है अफेक्शन द ट्रू लव दैट अलोन इज द फूड फॉर द सोल तो खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा है
सो ही इज नॉट रिसीविंग फूड टू ईट। द अहिल गर्ल्स मीनिंग गर्ल्स ऑफ द यादव क्लैन मेक द हीरो एक्टर होम शेष द स्नेक नेम्ड शेषनाग महेश मीनिंग शंकर दिनेश मीनिंग सन गणेश एंड सुरेश मीनिंग द डीटी इंद्र कंटिन्यूअसली मेडिटेट ऑन डांस फॉर अ हैंडफुल ऑफ बटर मिल्क अ कलोक्वियल सेइंग अबाउट लॉर्ड कृष्णा इन द पाथ ऑफ भक्ति। खाने के लिए अन्न खाना नहीं। देर इज नो फूड टू ईट तो छोड़ भी दे आकाश खाना इस धरती पर खाना। सो लीव द थ्रोन ऑफ द स्काई एट लास्ट एंड कम टू दिस अर्थ। कौन गाते हैं? हु सिंग्स लाइक दिस? The devotees sing like this. भीख मांग रहे हैं। कौन? He is asking for alms. Who? भारत। तो ये खेल भारत पर ही बना हुआ है। So this play is based only on भारत। है? A student is saying something. सारी दुनिया भक्त है। तो प्रजापिता क्या हुआ? When the people of the entire world are devotees, what is Prajapita? सारी दुनिया पतित है, तो प्रजापिता क्या हुआ? If the people of the entire world are impure, what is Prajapita? पतित। He is impure. Student, he is the father. बस ये तुम्हारा बाप आया हुआ। Children, your father has come. बाप का मतलब क्या? What does it mean by the father? ऐसी कोई बात नहीं जो तुम पर लागू न होती। देर इज नथिंग दैट डजेंट अप्लाई टू यू। तो सारी दुनिया का बीज है तो सारी दुनिया की सब बातें पहले किसके ऊपर लागू होंगी? ही इज द सीड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड देयरफॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल फर्स्ट ऊपर ऑल बी अप्लाइड टू होम। पहले बाप के ऊपर लागू। फर्स्ट इट विल बी अप्लाइड टू द फादर। पहले किसके ऊपर आएगी? Even when the examinations come, on whom will they, meaning the examinations, come first? बाप के ऊपर आएंगे? They will come on the father. तो भीख मांग रहे। So he is asking for alms. ये खेल भारत पर ही बना हुआ है। This play is based only on भारत। भारत अनाथ था और भारत अनाथ। भारत was the one with a master. Now भारत is an orphan. भारत सॉल्वेंट पवित्र था। भारत वॉज सॉल्वेंट एंड प्योर। भारत इज वॉज सॉल्वेंट अपवित्र। भारत इज नाउ इनसॉल्वेंट एंड इम्प्योर। भारत में राजाओं का राजा डबल के ताज बनते। इन भारत द पांडवास बिकम द किंग्स ऑफ द किंग्स द डबल क्राउंड वंस। कैसे सरकार? व्हाट काइंड ऑफ क्राउंड वंस? डबल। कौन कौन से डबल? डबल क्राउंड वंस। Which are those two crowns? Light का ताज और राजाई का ताज। The crown of light and the crown of the kingship. Light का ताज। Crown of light. Light का ताज कौन सा होता है? What is the crown of light? Purity का ताज। It is the crown of purity. और अभी? And what about now? न purity का ताज है और न पांडवों को राजाई का ताज। There is neither the crown of purity nor do the Pandavas have the crown of the kingship. पहले थे। They had them, meaning the two crowns previously. बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ। The father says, now I make you into the king of the impure kings. क्या कहा? What was said? ये अभी की बात है। It is about now. Students are saying something. हाँ, ये नया पॉइंट है। Yes, this is a new point. नया तो नहीं है। It isn't actually new. अव्यक्तवाणी में कहा है। It has been said in an अव्यक्तवाणी। एक ही जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बनता है। The accounts of 63 births are also created on the basis of 21 births. 21 जन्मों में जैसी जैसी प्राप्ति करेंगे उसी आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति हुई है। The rewards of 63 births are also fixed on the basis of the rewards received in 21 births. Point तो नया नहीं है लेकिन भूल जाते हैं तो नया। This is indeed not a new point, but because you forget it, it seems to be new. तो बाप कहते हैं अब पतित राजाओं का भी राजा तुमको बनाता हूँ। So the father says,
आई मेक यू इंटू द किंग ऑफ इवन द इम्प्योर किंग्स। शूटिंग हो रही है? द शूटिंग इज टेकिंग प्लेस। तो शूटिंग पीरियड में डायरेक्टर भी है? देयरफॉर इन द शूटिंग पीरियड देयर इज अ डायरेक्टर। एक्टर शूटिंग भी कर रहे हैं, रिहर्सल भी कर रहे हैं? द एक्टर्स आर डूइंग द शूटिंग एज वेल एज दे आर डूइंग द रिहर्सल। और उसमें द्वापर युग की भी शूटिंग और कलयुग की भी शूटिंग होती है? द शूटिंग ऑफ द कॉपर एज एज वेल एज द आयरन एज टेक्स प्लेस इन दिस। सत्ययुग त्रेता की भी शूटिंग होती है? एंड द शूटिंग ऑफ द गोल्डन एंड सिल्वर एजेस टेक प्लेस टू। तो जब गिरती कला की शूटिंग होती है, दस वेन द शूटिंग ऑफ द स्टेज ऑफ डिसेंट टेक्स प्लेस, तो समय जब जब बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, देन एट दैट टाइम वेन एवर द चिल्ड्रेन डोंट फॉलो द श्रीमत, तो देन तो गिरती कला की शूटिंग माना कहाँ के राजा बनेंगे? देन द शूटिंग ऑफ द स्टेज ऑफ डिसेंट मीन्स विच टाइम विल दे बिकम किंग्स ऑफ द्वापर कलयुग की राजा? दे विल बिकम किंग्स ऑफ द कॉपर एंड आयरन एजेस। डबल सिर ताज नहीं होते? एट दैट टाइम दे आर नॉट डबल क्राउंड वंस, सिर्फ सिंगल ताजधारी राजा बनते। दे बिकम ओनली सिंगल क्राउंड किंग्स। कौन सा सिंगल ताज? विच इज दैट सिंगल क्राउन? वहाँ तो राजा ही का ताज होगा, फुल ताज। देयर विल बी अ फिजिकल क्राउन ऑफ द किंगशिप ओवर देयर। और यहाँ कौन सा होगा? एंड व्हाट काइंड ऑफ क्राउन विल देयर बी ओवर हियर? शूटिंग पीरियड में कौन सा ताज? विच क्राउन विल देयर बी इन द शूटिंग पीरियड? जिम्मेवारी का ताज। देयर विल बी द क्राउन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो यहाँ जितनी जिम्मेवारी उठाते भले अपवित्र रहते हैं, द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी समवन टेक्स हियर इट डजंट मैटर इफ दे रिमेन इम्प्योर। पवित्र तो कोई नहीं है। नो वन इज प्योर इंडीड। नंबर वार तो सब हैं। ऑल आर सर्टेनली नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। क्योंकि विकारी भी सतो प्रधान, सतो सामान्य और रजो और तमो होते। बिकॉज द विशियस वंस आर ऑल्सो सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो एंड तमो। एक जैसे विकारी नहीं होते। दे आर नॉट विशियस टू द सेम एक्सटेंट। लेकिन नंबर वार तो होते ही। दे आर सर्टेनली नंबर वाइज। तो जो जितनी जिम्मेवारी यज्ञ की उठाते हैं, सो द मोर समवन टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यज्ञ, उतने बड़े राजधारी राजा बनते। दे बिकम द होल्डर ऑफ द बिगर किंगडम, दे बिकम ग्रेटर किंग्स टू दैट एक्सटेंट। राजधारी राजा बनते। दे बिकम क्राउंड किंग्स। कोई सम्राट बन जाते। सम बिकम एम्परर्स। कोई छोटे मोटे राजा बनते। सम बिकम माइनर किंग्स। तो है इस समय जिम्मेवारी उठाने के ऊपर। सो इट डिपेंड्स ऑन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस टाइम। ऐसे नहीं कि यज्ञ में सरेंडर हो गए। इट इज नॉट सो दैट इफ समवन सरेंडर्ड इन द यज्ञ, कुर्सी तो मिल गई। ही सर्टेनली ऑब्टेन्ड अ सीट। लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठाए। बट ही इज नॉट टेकिंग अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बलि जरी बरी जाओ। Even if the yagya catches fire, we don't care. तो डबल सिर ताज राजा होगा। राजा तुमको अभी बनाता हूँ। So I make you double crowned, the king of kings now. क्या? What? द्वापर में भी महाराजा होते हैं? महाराजास, great kings are in copper age as well. पतित राजा हैं, डबल सिर ताज राजाओं को पूजते। The impure kings worship the double crowned kings. क्या? What? पतित राजाओं की निशानी क्या है? What is the indication of the impure kings? जो डबल सिर ताज राजा हैं। They worship the double crowned kings. यानी जिनको लाइट का भी ताज और जिम्मेवारी का भी ताज होता है। Meaning the ones who have the crown of light and the crown of responsibility as well. लाइट माना? What does light mean? कौन सी लाइट? Which light? प्योरिटी, ज्ञान की लाइट। The light of purity, the light of knowledge. कोई फूल लाइट तो होती नहीं है जो देवताओं को दिखाई जाती। It is certainly not any physical light that they show in the case of the deities. जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतनी मनसा में मन चिंतन मंथन चलेगा। The more purity they have, the more their minds will think and churn. प्योरिटी नहीं होगी तो मनसा मन चिंतन मंथन चल ना सके। If there is no purity, their minds can't think and churn. बाप की याद आए ना सके। They can't remember the father. तो बताया। So it was said.
पति के राजाएं डबल सिरताज राजाओं की पूजा करते। द इम्प्योर किंग्स वर्शिप द डबल क्राउंड किंग्स। ये भी कहाँ की बात? दिस टू इज अबाउट वेन। ये भी संगम युग में शूटिंग होती है कि जो पति के राजाएं होते हैं जिम्मेवारी तो उठाते हैं। This shooting also happens in the confluence age that the impure kings do take up responsibilities. लेकिन होते कैसे हैं? But what are they like? पतित। They are impure. हाँ। Yes. उनको फिर कहाँ जाकर के किसके पास जाकर के किसके स्थान पर जाकर के माथा झुकाना पड़ता है? Where do they have to go? To whom do they have to go? To whose place do they have to go and bow their heads? डबल सिरताज राजा के पास जाकर के उनको माथा झुकाना। They have to go to the double crowned kings and definitely bow their heads. ये भी शूटिंग यही हो रही है। This shooting also is taking place here itself. क्योंकि वो पावन है और वो पति। It is because they are pure and those ones meaning who have to bow their heads are impure. भारत पर ये खेल है। This play is based only on Bharat. बाकी वो तो भाई प्लास दूसरे धर्म वाले। And as for the rest, they, that is those of the other religions, are byplot, meaning secondary roots. भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर वन धर्म है। Only the ancient deity religion, देवी देवता धर्म of भारत is the elevated number one religion. देवी धर्म, दैवी कर्म। The religion is divine, the actions are divine. श्रेष्ठ, वहाँ भ्रष्ट कोई होते नहीं। It is elevated. No one is corrupt over there. भारत में ही देवी देवता धर्म, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ। The ancient deity religion was elevated in religion and actions in Bharat only. अब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन। Now it has become corrupt in religion and in actions. धारणाएं भी भ्रष्ट और कर्म इंद्रियों से जो कर्म करते हैं वो भी भ्रष्ट बन गए। The practices as well as the actions performed through the organs of action have become corrupt. पाप समझाते। The father explains. मुख्य धर्म ही चार। The main religions are only four. कौन कौन से? Which ones? आदि सनातन। Someone said आदि सनातन। हाँ। Yes. देवता इस्लाम में बोलती कितनी हैं? The deity religion, Islam, Buddhism and Christianity. सभी से पहले सत्यु का देवी देवता धर्म। First of all, there is the deity religion of the golden age. सत्युग की स्थापना का कर्ता भी तो बाप ही करेंगे। The father himself will do the work of establishing the golden age. ऐसे तो नहीं कि बाप आकर के दो कला कम 14 कला वाले धर्म की स्थापना करके कर देंगे। It is not that the father will come and establish a religion having 14 celestial degrees, meaning 2 celestial degrees less. सत्युग की स्थापना बाप ही आकर के। The father himself comes and establishes the golden age. बाप कोई त्रेता की स्थापना आकर के नहीं करते। The father doesn't establish the silver age when he comes. द्वापर की स्थापना आकर के नहीं करते। He doesn't establish the copper age when he comes. वह है heavenly god father. He is heavenly god the father. यानी? What does it mean? पहले जन्म का जो स्वर्ग है उसकी रचना करने वाला Heavenly God Father. He is Heavenly God the Father, the creator of the paradise of the first birth. बाप कहते हैं मैं कल्प के एक ही संगम युग आता हूँ। The father says, I come only in one confluence age of the cycle, Kalpa. तुम बच्चे जानते हो हम सनात बन रहे हैं। You children know, we are becoming the ones with the master. सनातों को सनात बनाने वाला बेहद का बाप ही है। It is only the unlimited father who makes the orphans into the ones with a master. मनुष्य मनुष्य को तो अल्पकाल का सुखी दे सकते हैं। A human being can only give temporary happiness to another human being. तत्काल का सुख 84 जन्मों का दे नहीं सकते। They can't give the everlasting happiness of 84 births. जन्म जन्मांतर की राजाई कोई दे नहीं सकता। No one can give the kingship for birth after birth. ये है ही दुख की दुनिया। This is certainly the world of sorrow. त्राहि त्राहि करते रहते। They keep crying out for help. भारत सुखधाम था, अभी दुखधाम है। भारत was the abode of happiness. Now it is the abode of sorrow. बाप आए हैं शांति धाम। The father has come from the abode of peace.
कहाँ से आए? वेयर हैज ही कम फ्रॉम? शांति धाम से. फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ पीस. कौन से बाप? विच फादर? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग. शिव बाप. इज इट द फादर शिव? माने ज्योति बिंदु शिव ही शांति धाम से आए. Does it mean that only Shiv, the point of light, has come from the abode of peace? Baki beyada ka baap prajapita nahi. And as for the rest, hasn't the unlimited father, prajapita, come from the abode of peace? Students are saying something. Wo shanti dham se nahi aaye. Hasn't he come from the abode of peace? Wo yahi ka hai. Does he belong to this place only? Yog ki result kya hai? What is the result of yoga? जो सबसे जास्ती योगी होगा तो प्राप्ति क्या होगी? What will be the reward for the one who is the greatest yogi? ज्यादा से ज्यादा सुख और शांति. He will experience happiness and peace to the greatest extent. तो तुम बच्चों को और धर्मों के मुकाबले जास्ती शांति और सुख मिलता है. So, compared with the other religions, you children receive more peace and happiness. Aur dharmon ko itna sukh aur shanti? The other religions don't receive so much happiness and peace. Tumhara 3/4 hissa kya hai? What is the 3/4 of your lives? Sukh aur shanti. It is full of happiness and peace. Dwapar yug mein ladai jhagda nahi hote hain itne jyada. In the copper age there aren't so many fights and quarrels. To ye to औसतन बताया. इट वॉज सेड ऑन एन एवरेज. क्या? वॉट? 3/4 60-65 जन्म. 3/4 मीनिंग अराउंड 60-65 बर्थ्स. चौरासी जन्मों में से 3/4 कितने हुए? हाउ मच डज 3/4 ऑफ द 84 बर्थ्स मेक? कितने हुए? हाउ मच डज इट मेक? अरे जल्दी निकालो. अरे काउंट इट क्विकली. मैथमेटिशियंस आर सिटिंग हियर. स्टूडेंट 63. 63 बर्थ्स. तो 21 जन्म वो और बाकी 63 जन्मों में से निकाल लो. सो दोज 21 बर्थ्स ऑफ द गोल्डन एंड द सिल्वर एजेस एंड डिडक्ट द रेस्ट फ्रॉम 63 बर्थ्स. अ स्टूडेंट 42 बर्थ्स. 42 बर्थ्स. यानी द्वापर तब तो सुख में ही रहते. इट मीन्स दैट यू आर इंडीड इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस टिल द कॉपर एज. यानी 3 युग सुख में. मीनिंग 3 युगास दैट इज एजेस आर लिव्ड इन हैप्पीनेस. लेकिन ये औसतन बताया. बट इट वॉज सेड ऑन एन एवरेज. ऐसे नहीं समझना सबका एक ही है. डोंट थिंक दैट इट इज द सेम फॉर एवरीवन. उन्होंने लोग कोई जास्ती योगी है कोई कम योगी. Also among those, that is children who receive 3/4 happiness, some are more yogis and some are less yogis. So, जो जास्ती योगी होंगे वो सुख भी शांति भी जास्ती होगी. So, the ones who are more yogis will also experience more happiness and peace. तो मैं कब आता हूँ? So, when do I come? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म. I come in the last birth, in the end of many births. तो जरूर कोई ऐसी आत्माएं भी हैं जिनको एक दो जन्म ही सिर्फ दुख मिलता है. सो सर्टनली देर आर ऑल्सो सच सोल्स हु सफर सॉरो फॉर ओनली 1 or 2 बर्थ्स. बाकी सब जन्मों में सुख का प्रारब्ध शांति का प्रारब्ध रहता है. इन द रिमेनिंग अदर बर्थ्स दे हैव द फ्रूट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस. तो बाप शांति देश से आए. सो द फादर हैज कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ पीस. इसका मतलब है कि प्रजापिता वाली आत्मा का भी कोई सुख कम नहीं है. इट मीन्स दैट ऑल्सो फॉर द सोल ऑफ प्रजापिता हिज हैप्पीनेस इज नॉट एनी लेस. संगमयुग में आती है तो कहाँ से आती है? व्हेन ही कम्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज वेयर डज ही कम फ्रॉम? शांत देश से. फ्रॉम अ पीसफुल कंट्री. जो व्यास वाली आत्मा है मान लो फर्स्ट व्यास. सपोज द सोल ऑफ व्यास द फर्स्ट व्यास. सेकेंड थर्ड नहीं. नॉट द सेकेंड और थर्ड वन. तो इतनी ज्ञानी तू आत्मा होगी तो अशांत रहेगी क्या? सो ही इज सच अ नॉलेजेबल सोल विल ही रिमेन रेस्टलेस. अशांत रह करके क्या शास्त्रों का निर्माण हो सकता है क्या?
कैन द क्रिएशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स टेक प्लेस व्हाइल बीइंग रेस्टलेस? बुद्धि चल सकती है क्या? कैन द इंटेलेक्ट वर्क? इट कांट वर्क एट ऑल. मनन चिंतन मंथन चल ही नहीं सकता. द थिंकिंग एंड चर्निंग कांट टेक प्लेस एट ऑल. देह और देह की दुनिया में ही रमण करती रहेगी बुद्धि. द इंटेलेक्ट विल कीप वॉन्डरिंग ओनली इन द बॉडी एंड द वर्ल्ड ऑफ द बॉडी. अभी दुखधाम है, आए हैं शांति धाम से. नाउ इट इज द अबोर्ड ऑफ सोरो, दुखधाम. ही हैज कम फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ पीस. बाप कहते हैं. द फादर सेज, अब लाइट हाउस बनो. नाउ बिकम अ लाइट हाउस. कौन से हाउस बनो? विच हाउस शुड यू बिकम? स्टूडेंट, अ लाइट हाउस. लाइट हाउस, अ लाइट हाउस. तो क्या आंखों में से लाल लाल लाइट निकलने लगेगी? देन विल योर आईज स्टार्ट एमिटिंग रेड लाइट. अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग. प्योरिटी की लाइट निकलने लगेगी, कैसे पता चलेगा? विल इट स्टार्ट एमिटिंग द लाइट ऑफ प्योरिटी? हाउ विल यू कम टू नो? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग. हाँ, जैसे अब्राहम बुद्ध क्राइस्ट, उनकी आंखों से क्या निकलता है? यस, फॉर एग्जाम्पल अब्राहम बुद्ध क्राइस्ट, वॉट इमुलेट्स थ्रू देयर आईज? चित्र देखा है ना? यू हैव सीन देयर पिक्चर्स, हैवंट यू? क्या निकल रहा है? वॉट इज इमनेटिंग थ्रू देयर आईज? प्योरिटी की लाइट निकल रही है ना? द लाइट ऑफ प्योरिटी इज इमनेटिंग, इजंट इट? तो जितनी लाइट निकल रही है उतना ही उनके मुख से ज्ञान भी. सो नॉलेज विल इमर्ज थ्रू देयर माउथ एज मच एज लाइट इज इमनेटिंग थ्रू देयर आईज. अपनी स्टेज का शास्त्र के स्टेज का ज्ञान भी निकलता है. द नॉलेज कोरेस्पॉन्डिंग टू देयर स्टेज ऑफ द सात्विक, दैट इज ट्रू स्टेज, ऑल्सो इमर्जेस थ्रू देयर माउथ्स. सात्विक, द स्टेज इन विच द सोल एंड मैटर हैव देयर नेचुरल प्रॉपर्टीज डोमिनेटेड बाय गुडनेस एंड प्योरिटी. सच्चाई भी उनके मुख से निकलती. द ट्रूथ ऑल्सो इमर्जेस थ्रू देयर माउथ्स. पहले वो सच्चाई होती है. एट द बिगिनिंग दैट ट्रूथ इज द ट्रूथ. बाद में उनके फॉलोअर्स के द्वारा उसको झूठा बना दिया. लेटर ऑन इट इज मेड फॉल्स थ्रू देयर फॉलोअर्स. तो बच्चे लाइट हाउस बनो. सो चिल्ड्रन बिकम लाइट हाउसेस. क्या बनो? व्हाट शुड यू बिकम? स्टूडेंट्स बिकम प्योर. पवित्र बनेंगे तो उसकी निशानी क्या होगी? व्हेन यू बिकम प्योर व्हाट विल बी द इंडिकेशन ऑफ दिस? एक तो चेहरे से ही महसूस होगी और दूसरा पीस एंड प्रॉस्पेरिटी होगी. वन थिंग इज दैट इट विल बी विजिबल थ्रू द फेस इटसेल्फ एंड द अदर थिंग इज दैट देयर विल बी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. और मंथन बहुत चलेगा. एंड यू विल चर्न अ लॉट. अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग. वही? यस एग्जैक्टली. चेहरा भी दिखाई पड़ेगा लेकिन मुख से ज्ञान रतन. इट विल ऑल्सो बी विजिबल इन द फेस बट द ज्वेल्स ऑफ नॉलेज शुड इमर्ज फ्रॉम द माउथ. बुद्धि में मन चिंतन मंथन भरा हुआ. द इंटेलेक्ट शुड बी फुल ऑफ थिंकिंग एंड चर्निंग. अगर बुद्धि नहीं चलती है विचार सागर मंथन. इफ द इंटेलेक्ट डजंट वर्क इन चर्निंग द ओशन ऑफ थॉट्स. तो समझो अभी चर्पी कला की ओर नहीं. देन कंसिडर दैट यू आरंट टूवर्ड्स द स्टेज ऑफ असेंट नाउ. तो बच्चे लाइट हाउस बनो. सो चिल्ड्रेन बिकम लाइट हाउसेस. कौन बने लाइट हाउस? हु शुड बिकम लाइट हाउसेस? बच्चे. द चिल्ड्रेन. बच्चों में पहला बच्चा कौन? हु इज द फर्स्ट चाइल्ड अमंग ऑल द चिल्ड्रेन? बच्चों में पहला बच्चा कौन? हु इज द फर्स्ट चाइल्ड अमंग ऑल द चिल्ड्रेन? स्टूडेंट्स शंकर. उसमें तो शिव बाबा है, होता ही है. शिव बाबा इज एनी वे प्रेजेंट इन हिम. वो तो तीसरा ही नेत्र है, वो क्या बने? He is the third eye itself. How will he become this? Student is saying something. उसमें तो बनने ना बनने की बात ही नहीं. In his case, there is no question of becoming a lighthouse or not. पहला बच्चा कौन? Who is the first child? ब्रह्मा. ब्रह्मा. तो पहले तो बुद्धि किसकी चले? So, whose intellect should work first? बड़ी अम्मा. The intellect of the senior mother. बड़ी अम्मा. ब्रह्मा की बुद्धि चले. द इंटेलेक्ट ऑफ ब्रह्मा शुड वर्क. ब्रह्मा तो वैसे ही गोरे चिट्टे थे. ब्रह्मा वॉज ऑलरेडी ऑफ फेयर कम्प्लेक्शन. और उनकी बुद्धि चल पड़ेगी तो पता नहीं एकदम लाइट आउट हो जाएंगे. एंड इफ हिज इंटेलेक्ट हैड वर्कड देन नो वन नोज ही वुड हैव बिकम अ लाइट हाउस एट वंस. स्टूडेंट देन द चिल्ड्रन विल स्टडी वेरी वेल.
खूब पढ़ेगो? विल दे स्टडी वेरी वेल? अच्छा तो शिव बाबा को तो मिले सब भूल जाए। ऑल राइट देन आई थिंक ऑल विल फॉरगेट शिव बाबा। सबको हाथ गौ मुख में चलो जाए फिर का। वॉट इफ एवरी वंस इंटेलेक्ट लाइक हैंड गोज इन द माउथ ऑफ द काउ गौ मुख? ऐसो है का? डज इट हैपन लाइक दैट? अब ना हो नाउ विल इट नॉट हैपन दैट वे? अब गीता को भगवान कृष्ण ना बनाए? विल कृष्ण नॉट बिकम द गॉड ऑफ द गीता नाउ? अच्छी बात देखेंगे। नो वेरी वेल वी विल सी। पास फिर भी आज होंगे। एनी वे ओनली 8 विल फाइनली पास। क्या कहा? वॉट वॉज सेड? आखिरी फाइनल परीक्षा में कितने पास होंगे? हाउ मेनी विल पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन? पास फिर भी आज होंगे। एनी वे ओनली 8 विल पास। तो बाप कहते हैं बच्चे लाइट हाउस बनो। सो द फादर सेज चिल्ड्रेन बिकम लाइट हाउसेज। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम के तारे। लेट द सीन्स ऑफ द अवॉर्ड ऑफ पीस रोटेट कॉन्स्टेंटली इन वन आई एंड द इमेज ऑफ द अवॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस रोटेट कॉन्स्टेंटली इन अनदर आई। अब नाटक पूरा होना। नाउ द शो इज अबाउट टू कम्प्लीट। ये चोला पुराना हो गया है। दिस बॉडी हैज बिकम ओल्ड। गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। यू हैव टू रिमेन प्योर व्हाइल लिविंग इन द हाउस होल्ड। क्या? वॉट? तो संकल्प आओ तो छोड़ चार बात जाए। अदरवाइज अ थॉट मे कम वी शुड लीव एवरीथिंग एंड रन अवे। कैसे पवित्र रहना है? इन वॉट वे शुड यू रिमेन प्योर? गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। यू हैव टू रिमेन प्योर व्हाइल लिविंग इन अफेयर्स ऑफ द हाउस होल्ड। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ पवित्र है भी स्थापन करने के लिए। आई योर फादर हैव कम टू एस्टेब्लिश द प्योर हेवन। प्योरिटी थी देर वॉज प्यूरिटी। अब इम्प्योरिटी है। नाउ देर इज इम्प्यूरिटी। कहाँ आया हुआ? वेयर हैव आई कम? इम्प्योरिटी की दुनिया। आई हैव कम इन द वर्ल्ड ऑफ इम्प्यूरिटी। मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ। आई योर फादर हैव कम। क्या कहता हूँ? वॉट डू आई से? पवित्र है मैंने स्थापन करने आया हुआ हूँ। आई हैव कम टू एस्टेब्लिश द प्योर हेवन। तो तुम्हें संशय आउट हो। सो यू मे बी डेवलपिंग डाउट। क्या? वॉट? तो तुम्हें संशय आता हो कि जो हमारे बाप। सो यू मे बी डेवलपिंग डाउट दैट अवर फादर। स्टूडेंट दिस वन इज नॉट अवर फादर। ये हमारे बाप। इज ही अवर फादर? ऐसा स्वर्ग स्थापन हो रो। इज पैराडाइज बींग एस्टेब्लिश इन दिस वे? क्या तरीका? इन दिस वे। स्टूडेंट आस्क्ड हाउ मच टाइम? लाखों वर्ष। नाउ देर आर 100,000 मीनिंग लैक्स ऑफ इयर्स। छोटा मोटा गुरु नहीं है ये। ही इजंट अ माइनर गुरु। बहुत बड़ा धर्म गुरु है। ही इज अ ग्रेट रिलीजियस गुरु। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ है भी स्थापन करने। You have to remain pure while living in the household. I, your father, have come to establish heaven. Purity thi ab impurity. There was purity. Now there is impurity. Aadha kalp Ram Raj, aadha kalp Ravan Raj. The kingdom of Ram is for half a cycle and the kingdom of Ravan is for another half of the cycle. Is samay tum ishwariya bodh mein. At this time, you are on the lap of God. Kya? What? Is samay tum kai ki godh mein ho, kin ki godh mein ho? On whose lap are you at this time? ईश्वर की गोद में हो। You are on the lap of God. और पहले? And previously? पहले आसुरी गोद में। Previously you were on the devilish lap. इस समय ईश्वरीय गोद में हो। At this time you are on the lap of God. तो गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है। So you have to remain pure while living in the household. ऐसे ना हो कि आसुरी गोद याद आती हो। इट शुडंट हैपन दैट यू रिमेम्बर द डेविलिश लैप। आसुरी गोद में नहीं चले जाना। डोंट गो ऑन द डेविलिश लैप। ये ईश्वरीय फैमिली है। दिस इज द फैमिली ऑफ गॉड। तो फैमिली होगी तो बाप भी होगा तो अम्मा भी होगी तो बच्चे भी होंगे। इफ देर इज अ फैमिली देर विल बी अ फादर एज वेल एज अ मदर एंड देर विल बी चिल्ड्रेन टू। दादा है शिव बाबा। शिव बाबा इज द ग्रैंड फादर। दादा। क्या? What? बाप और डैडी। The father, बाप and the grandfather, daddy. बाप दादा अलग बात।
और बाप दादे अलग बात। बाप दादा इज अ डिफरेंट थिंग एंड बाप दादे इज अ डिफरेंट थिंग। दादे कहा जाता है बाप के बाप ग्रैंड फादर। द फादर ऑफ द फादर द ग्रैंड फादर इज कॉल्ड दादे। दादा है शिव बाबा। शिव बाबा इज द ग्रैंड फादर। प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा इज बाबा। और लौकिक बाप भी है। एंड ही इज ऑल्सो द लौकिक दैट इज वर्ल्डली फादर। क्या कहा? वॉट वॉज सेड? प्रजापिता ब्रह्मा और क्या है? वॉट एल्स इज प्रजापिता ब्रह्मा? लौकिक बाप भी है। ही इज ऑल्सो द लौकिक फादर। इस समय तुमको तीन बाप है। एट दिस टाइम यू हैव थ्री फादर्स। कौन कौन से तीन बाप? विच थ्री फादर्स? लौकिक द लौकिक वन हु लौकिक कौन? हु इज द लौकिक वन? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग। प्रजापिता ब्रह्मा वेद का बाप और प्रजापिता ब्रह्मा द अनलिमिटेड फादर एंड लौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। इज प्रजापिता ब्रह्मा द लौकिक फादर? बस दैट्स इट और कोई नहीं। इजंट देयर एनीवन एल्स? और कोई नहीं। इजंट देयर एनीवन एल्स? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग। और कोई नहीं। इजंट देयर एनीवन एल्स? बालकराम को तो याद है। बालकराम अ पीबी के ब्रदर डज रिमेम्बर। और कौन सा बाप? विच अदर फादर डू यू हैव? स्टूडेंट द वन हु गेव बर्थ टू द बॉडी। देह को पैदा किया तो बताए रे। यू आर टॉकिंग अबाउट द वन हु गेव बर्थ टू द बॉडी। पूर्व जन्म की बात बताए रे। आर यू टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस बर्थ? ज्ञानी तू आत्मा है पूर्व जन्म याद है। यू आर अ नॉलेजेबल सोल यू रिमेम्बर द प्रीवियस बर्थ। बताए रे। सो यू आर सेइंग दैट तुमको तीन बाप है। एट दिस टाइम यू हैव थ्री फादर्स। तीन बाप बताओ। नेम द थ्री फादर्स। द स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग। ब्रह्मा अलौकिक बाप। ब्रह्मा इज द अलौकिक फादर। स्टूडेंट प्रजापिता ब्रह्मा इज अलौकिक। प्रजापिता इलौकिक होता है कि वो अलौकिक होता है? डज प्रजापिता बिलोंग टू दिस वर्ल्ड और इज ही अलौकिक? स्टूडेंट्स आर सेइंग समथिंग। ब्रह्मा है अलौकिक बाप और प्रजापिता अलौकिक बाप। ब्रह्मा इज द अलौकिक फादर एंड प्रजापिता इज द लौकिक फादर। और देव परमात्मा ज्योति बिंदु पारलौकिक बाप। एंड शिव सुप्रीम सोल द पॉइंट ऑफ लाइट इज द पारलौकिक मीनिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड फादर। क्या चार बाप? दिस वन हैज फोर फादर्स। लौकिक अलौकिक परमपिता परमात्मा ना लौकिक पारलौकिक परमपिता परमात्मा। द लौकिक वन एंड द पारलौकिक वन मीनिंग द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा। ये है रियलिटी। दिस इज द रियलिटी। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? ये रियलिटी है। दिस इज द रियलिटी। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है? यू नो दैट द इनकॉर्पोरियल फादर हैज एंटर्ड द चैरियट। मनुष्य तन में आए हैं। ही हैज कम इनटू अ ह्यूमन बॉडी। बाप है आत्माओं की बात करते। द फादर सिट्स एंड टॉक्स टू द सोल्स। क्या? व्हाट वाज सेड? देह अभिमानियों से बात नहीं करते। ही डजंट टॉक टू द बॉडी कॉन्शियस वंस। बात किससे करते? टू हुम डज ही टॉक? आत्मिक स्थिति में रहने वालों से बात करते। ही टॉक्स टू द वंस हु रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। देह अभिमान की स्थिति में रहने वालों से बात। ही डजंट टॉक टू द वंस हु रिमेन इन द बॉडी कॉन्शियस स्टेज। प्रजापिता तो करता होगा। एज फार एज प्रजापिता इज कंसर्न्ड ही वुड बी टॉकिंग टू देम मीनिंग द बॉडी कॉन्शियस वंस वुडंट ही? प्रजापिता तो देहधारी है। प्रजापिता इज इंडीड अ बॉडीली बींग। इसी दुनिया का है। ही बिलोंग्स टू दिस वेरी वर्ल्ड। वो तो करता होगा। ही वुड सर्टेनली बी टॉकिंग टू देम। शिव बाबा बात? शिव बाबा बात यानी सुप्रीम सोल नहीं बात करता। शिव बाबा डजंट टॉक टू देम मीनिंग द सुप्रीम सोल डजंट टॉक टू देम। रूहानी बाप? रूहानी बच्चों की बात करते हैं। द स्पिरिचुअल फादर टॉक्स टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन। और देहधारी बाप? एंड व्हाट अबाउट द बॉडीली फादर?
देहधारी बाप देहधारी बच्चों से बात करेगा। द बॉडीली फादर विल टॉक टू द बॉडीली चिल्ड्रन। अ स्टूडेंट इज सेइंग समथिंग। एक कब्जा है। इज ही मीनिंग प्रजापिता इन योर कंट्रोल। पूरा है कब्जा। इज ही कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल। घरे ले जा। देन टेक हिम होम। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल सर्जन। किनको। हु। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता है। द स्पिरिचुअल फादर इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल सर्जन। जो रूहों से बात करते। ही टॉक्स विद स्पिरिट्स। रूह को इंजेक्शन लगाते। ही गिव्स एन इंजेक्शन टू स्पिरिट्स। समझो देह को इंजेक्शन लगाते। अदरवाइज यू मे थिंक दैट ही गिव्स इंजेक्शन टू द बॉडी। रूहानी बाप किसको इंजेक्शन लगाते। हु डज द स्पिरिचुअल फादर गिव एन इंजेक्शन टू। स्टूडेंट्स स्पिरिट्स। रूह को इंजेक्शन लगाते। ही गिव्स एन इंजेक्शन टू द स्पिरिट्स। और जिस्मानी बाप। एंड वॉट अबाउट द बॉडीली फादर। जिस्म को इंजेक्शन लगाते। ही गिव्स एन इंजेक्शन टू द बॉडी। यहाँ बाप की तो बात ही नहीं, यहाँ तो सर्जन की बात है। Here it is not about the father at all. It is about the surgeon here. Jismani surgeon? Aur ruhani surgeon? The bodily surgeon and the spiritual surgeon. Wo deh ko injection lagate aur wo ruh ko injection lagate. The first one gives an injection to the body and the later one gives an injection to the spirit. Ye jo atma ko nirlep kehte hain. Those who say that the soul remains unstained, meaning nirlep. अरे आत्मा निर्लेप कैसे होगी। अरे how will the soul remain unstained? कि हमारी आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता। They say our soul isn't stained by anything. क्या शरीर को लेप छेप लगता है। Is the body stained? पाप पुण्य क्या शरीर के साथ जाता है। Do the fruit of sins and noble deeds go with the body? तो पाप पुण्य का जो लेप छेप है वो तो आत्माओं के साथ जाता है। Stains of the sins and noble deeds go with the souls. आत्मा जाके दूसरी जगह जन्म लेती है उसके अनुसार। According to those sins and noble deeds, the soul is born at another place. वो कहते हैं शरीर। They say body. हमारी आत्मा निर्लेप है। Our soul isn't stained. शरीर को जब खेप लगता है इसलिए शरीर को गंगा स्नान कराने ले जाते। The body is stained. That's why we go to give a bath to the body in the Ganges. That is the river Ganga. ब्राह्मण को दुनिया में तो कोई नहीं कहता कि हमारी आत्मा निर्लेप। No one in the Brahmin world says my soul isn't stained. तो दुनिया भी धर्म गुरु कहते हैं। The worldly religious gurus say this. है? बताओ। Tell me. नहीं समझ में आया। Didn't you understand? जो यहाँ से वो वहाँ बन करके बैठते हैं। The ones who sit here considering themselves to be Shiv, Shivoham, वो समझते हैं कि हमारी आत्मा तो निर्लेप हो गई। They think that their souls have certainly become stainless. हम तो आत्मा तो परमात्मा हो गए। They think we souls have become equal to the supreme soul, meaning आत्मा सो परमात्मा, the soul becomes the supreme soul. हम तो कुछ भी करें हमको लेप-छेप लगने वाला नहीं। No matter what we do, we are not going to be affected. ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं। The ones who say that their soul is unstained. अरे आत्मा कैसे निर्लेप होगी। अरे how will the soul be free from being stained? परमात्मा तो निर्लेप हो सकता है। As far as the supreme soul is concerned, he can be free from being stained. ऐसा पाठ बजा सकता है कि उसको संग का रंग लेप छेप न लगे। He can play such a role that he is not affected by the color of the company. आत्मा कोई भी निर्लेप नहीं। But no soul is free from being stained. आत्मा में तो संस्कार। There are संस्कार्स in the soul itself. ये संस्कार फिर जन्म मिलता है। According to them, it receives next birth. ये गुरु गुसाई तो बाप से ही मुख कर देते आत्मा निर्लेप कह के। These gurus and teachers turn the face away from the father himself. By saying that the soul remains unstained. कैसे भी वो करते हैं। How do they turn our face away from the father? ये बता देते हैं दूसरों को हमारी आत्मा निर्लेप है तुम हमारा संग करो। They tell the others our soul is unstained. Keep our company. हमारे ऊपर तो कोई पाप साप चढ़ेगा नहीं।
नो सिंस विल एक्यूमुलेट ऑन अस. समझे? डिड यू अंडरस्टैंड? बल्कि हमारा संग तुमको लग जाएगा. इंस्टेड यू विल बी कलर्ड बाय अवर कंपनी. तुम पतित से पावन बन जाओगे. यू विल बिकम प्योर फ्रॉम सिनफुल. सन्यासी लोग क्या कहते हैं? व्हाट डू द सन्यासी से? गंगा में स्नान करने से सब गंगा को पतित बनाए देते. दे थिंक ऑल मेक द रिवर गैंजेस मीनिंग रिवर गंगा इम्प्योर बाय बेदिंग इन इट. और हम उसमें पाँव डालते हैं बुद्ध रूपी पाँव. वेर एज वेन वी पुट अवर फुट इन टू इट द फुट लाइक इंटेलेक्ट. तो गंगा क्या बन जाती है? वॉट डज द गैंजेस बिकम? पाँव. इट बिकम्स प्योर. तो वो कौन हो गए? सो हु आर दे? शिवो अहम. शिवो अहम. आई एम शिव. हमें शिव बाबा. वी अवर सेल्स आर शिव बाबा. तो ब्राह्मणों की संगम इस दुनिया में. सो इन द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण्स. कोई अपनी आत्मा को निर्लेप तो नहीं कहता है ना? नो वन सेज दैट हिज सोल इज फ्री फ्रॉम बीइंग स्टेन्ड. डज एनीवन? कहता है? डज एनीवन से इट? नहीं कहता. दे डोंट से इट. समवन सेड समथिंग? नहीं. नो. ये भाई तो कह रहे हैं. दिस ब्रदर इज सेइंग सो. निर्लेप नहीं कहता. Someone said, we will not call it free from being stained. तुम नहीं कहते हो. You don't say so. लेकिन और ब्राह्मण अपनी आत्मा को निर्लेप समझे बैठे हैं या नहीं समझे बैठे? But the other Brahmins have considered their soul to be free from being stained or not? जो शिवोहम की स्टेज पे हो. Those who are in the stage of शिवोहम. कोई ऐसे हैं? Are there any Brahmins like that? है? Are there? Someone said, there are. है? There are. दो भाई एक साथ बैठे हुए. टू ब्रदर्स आर सिटिंग टूगेदर. एक कहते हैं नहीं है. वन सेज देर आरंट. और एक कहते हैं. अनदर सेज देर आर. अच्छा तो आप अपने विचार कर लेना बाद में. अच्छा डिस्कस अमंग योरसेल्व्स लेटर ऑन. अगर अभी भी इतना ज्ञान लेने के बावजूद भी किसी ने ये नहीं जाना कि रचयिता कौन है. इफ इवन नाउ डिस्पाइट टेकिंग सो मच नॉलेज नो वन केम टू नो हु द क्रिएटर इज इस धरती पर इन दिस वर्ल्ड. और रचना फर्स्ट कौन है? And who the first creation is? संगम युग में भी तो जानना चाहिए ना? They should know it in the confluence age also, shouldn't they? Continued in cassette number 10, side B.